आपने देखा कि बहुत जल्दी में हम लोगों ने ये कार्यकर्ता मेलावा रखा था, लेकिन तीन दिन में इतने सारे कार्यकर्ता जिस जोश के साथ आए थे, आपने खुद ने देखा है कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। देखा जाए काफ़ी तादाद में लोग हैं आज आपके इस कार्यक्रम में आए, तो उसके लिए क्या कहना? देखो, ये कार्यकर्ताओं का अपने पार्टी के प्रति प्रेम है, नवाब भाई के प्रति प्रेम है, और आज उन्होंने बड़ी तादाद में आकर वो दिखाया है। मैडम, आपका आपको कितना लगता है चुनौती कितना होगा अगर सामने, क्योंकि जो पहले राष्ट्रवादी से एक उम्मीदवार ऑलरेडी आता है और एक आपका एक उम्मीदवार के नाम सामने आ रहा है, आपको कितना चुनौती सामने है आगे? चुनौती तो है डेफिनेटली, शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक नया उम्मीदवार है, एक नया चेहरा है, एक डॉक्टर है, एक एजुकेटेड उम्मीदवार है, तो जनता ऐसे उम्मीदवारों को चुनेगी, क्योंकि अभी धर्म की राजनीति और जो कुछ भी माहौल बन रहा है, जनता समझ गई है कि इससे कुछ काम नहीं होने वाले, उनको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो सच में उनका आवाज़ विधानसभा तक लेके जाए। आपकी इस बुरला विधानसभा का मोटो क्या है? आप चुनाव में खड़े होंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्या जनता से बोल के वोट मांगेंगे? देखो, जनता जो विकास नहीं हुआ है बहुत सालों से, जनता जैसे तुम अब स्लम में जाओ, टॉयलेट्स तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, गटर साफ नहीं हो रहे, रोड की समस्या है, बांधकाम की बहुत सारी समस्या, ओसी नहीं है काफ़ी सारे जगह पे, अगर तिलक नगर की बात करो तो पार्किंग नहीं है वहाँ पे, उनका खुद का उनको क्या बोलते हैं स्लट जाने के लिए ये नहीं है, उनके खुद के गटर की सिस्टम नहीं है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ की प्रॉब्लम नोट डाउन कर रही हूँ, अरे अगर भगवान चाहता है कि मैं चुन के आऊँ तो वो सारे प्रॉब्लम को मैं हल करने की कोशिश करूँगी। आप बड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा निकाला था, जो भवन होने वाला है हॉल वो इलीगल तरीके से, इसमें क्या कहना? देखो, उसमें कोई मैं कमेंट नहीं दूंगी, वो सरकार का काम है, वो न्यायालय का काम है, वो उनकी इंक्वायरी करेगी, अगर वो दोषी है नहीं है वो न्यायालय जाने का। आपल्या मतदारसंघातून गेले 200 आहे 80 दिवसापासून उद्धव जीच्या मागणीसाठी काही लोक उपोषणासाठी बोलते, त्याबद्दल काय सांगता? अगर त्यांचं जायज आहे त्यांचं उपोषण, त्यांची मागणी, तर डेफिनेटली सरकार ती मान्य करावी। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, व्यसनाधीनता बहुत ज़्यादा है, बेकारी बहुत बढ़ गई है, GST नोटबंदी की वजह से बहुत सारे लघु उद्योग है बंद हो रहे हैं, तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि लोगों को रोज़गार दूँ। मैडम, आप महिलाओं के और युवकों के क्या प्रश्न लेके आओगे? महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है आरोग्य, बहुत सारी महिलाएं आज एज अ महिला मैं जान सकती हूँ कि हर एक महिला में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पहला तो उनकी समस्या रहेगी जो आरोग्य है उनको सुधारने की कोशिश करूँगी, दूसरी रहेगी उनका शिक्षण, और तीसरी रहेगी उनको उद्योग धंधा देने या उनको रोजगार देना। मगाशी जसं कप्तान भाईंनी सांगितलं की त्यांच्या वॉर्डामध्ये जे कामं झालेली आहेत, पण आता तुम्ही सांगताय की अस्वच्छता वगैरे आहे, तर हे मिसमॅच समजायचं का आम्ही? नाही, बघा, या वॉर्डमध्ये जवळ या 174 कुर्ला वॉर्डमध्ये 7.5 वॉर्ड्स आहेत, तर प्रत्येक वॉर्डमध्ये काम झालेलं नाही आहे, जसं 170 किंवा 168 जे काम झालं आहे ते बाकी वॉर्डमध्ये झालेलं नाही आहे, तर मी बाकी वॉर्डची गोष्ट करतो। मुंबई शहर में राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की 6 सीटों पर काँग्रेस से सहमति बनी है और एक सीट को लेकर अभी चर्चा चल रही है, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुंबई में अनुशक्ति नगर, विक्रोली, कुर्ला, वर्ली, मागाठने और दिनदोषी सीटों पर हमारी सहमति बन गई है। आने वाले दिनों में हम उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। आज कुर्ला में कार्यकर्ताओं का पहला मेड़ावा हुआ है, कल वर्ली विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मेड़ावा होगा, 15 तारीख को विक्रोली विधानसभा का मेड़ावा है, और इसी तरह से जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ने वाले हैं कार्यकर्ताओं का मेड़ावा आयोजन करके आगामी चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा में बहुत सारी विधानसभाओं में हम कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दे रहे थे, 5000 से कुर्ला में आज पीछे हैं, लेकिन कार्यकर्ता मेहनत करेगा,
बड़े पैमाने पे मतदाता छुट्टियों में बाहर चला गया था, जो मतदान नहीं कर पाया। अगर सभी मतदाताओं को ढंग से कार्यकर्ताओं ने निकाला तो हमें विश्वास है कि कुर्ला विधानसभा निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ताओं को बूथ वाइज काम बांटा गया है, पन्ना वाइज काम बांटा गया है, और हमें उम्मीद है कि सभी दल मिलकर साथ में काम करेंगे तो कम से कम कुर्ला वाली सीट हम जीतेंगे। सर, कल अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत शताब्दी हॉस्पिटल का भूमि पूजन है, जिसके लिए आपने फॉलोअप किया था, इस बारे क्या? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज बनाना है, भूमि पूजन करके 5 साल होने के बाद कहीं ना कहीं नारियल फोड़ू कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारी मांग है कि शताब्दी अस्पताल मेडिकल कॉलेज बने, जो शताब्दी अस्पताल की जमीन है वो हड़पने का काम बंद हो, सबसे पहले सारी जमीन की बाउंड्री तय की जाए और मेडिकल कॉलेज बनाकर वहाँ की जनता को सुविधा दिया जाए। 5 सालों में दिल्ली से लेकर गली तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पूरी तरह से शताब्दी अस्पताल कबाड़ हो गया है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव आया है, भूमि पूजन करके लोगों को एक चुनाव का लॉलीपॉप बांटने का काम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि शताब्दी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, उस दिशा में सरकार कुछ नहीं कर रही। जी, क्या कहते थे कि आरए को बचाने के लिए काफ़ी लोग मोर्चा लेकर आज एम एम आर के ऑफिस में पहुंचे थे, आरए बचाओ करके कहा जा रहा है, क्या कहते थे? ठीक है, डेवलपमेंट और आरए दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का मत है हमारे पार्टी के भीतर भी कि आरए का कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन मुंबई में कहीं ना कहीं मेट्रो का भी काम होना चाहिए। अगर यातायात की सुविधा बढ़ेगी तो ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। मुंबई में जो ट्री अथॉरिटी है वो तय करती है कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, साइंटिफिकली क्या है। अगर वहाँ पर जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट में जो निर्णय हुआ है अगर पुनर्विचार करना है तो उसके ऊपर हमारी पूरी सहमति है। लेकिन मुंबई में अलग अलग जगह पेड़ काटे जाते हैं, काटने से पहले नए पेड़ लगाने का एक नियम है, जो शिवसेना दोहरा चरित्र दिखा रही है। मोदी जी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं पर कॉरपोरेशन में विरोध करने का काम करते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि समृद्धि महामार्ग में आपने 2 लाख पेड़ काटने का आदेश कैसे दिया, इसी मेट्रो में आपने नवी मुंबई में, इसी मेट्रो में आपने मीरा भयंदर में पेड़ काटने का आदेश कैसे दिया। अगर आपका विरोध था तो आप मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं जाते। शिवसेना गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, इस तरह की अवस्था है। हम तो कहते हैं अगर रिव्यू करना है तो हम रिव्यू करने के लिए लोगों के साथ खड़े हैं। और उस विधानसभा में तुकाराम कांते कीचड़ में बैठे थे, लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना कि इसमें दिखावा था, उनके लिए कुछ काम नहीं होगा। ऐसा है, मट्टी वही डालते हैं, कीचड़ वही फैलाते हैं, फिर उसी में बैठते हैं, जनता देख रही है। जहां वो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन की जगह नहीं। आंदोलन करना है तो एमएमआरडी के कार्यालय पे होना चाहिए, ठेकेदार के कार्यालय पे आंदोलन करना उसका क्या उद्देश्य है उनको बताना पड़ेगा। अगर ठेकेदारों के यहाँ आंदोलन होता है तो किस मकसद से आंदोलन होता है इसको जनता जानती है। हमें लगता है आंदोलन हफ्ता उगाही के लिए होता रहा है, और कारशेड के हफ्ता उगाही के लेके विवाद भी हुआ, तलवारें भी निकली, शिवसेना का कार्यकर्ता मारने वाला भी था, मार खाने वाला भी था। तो पूरी तरह से जिस तरह से वहाँ के हालात हैं, जिनको आंदोलन करना है वो सरकारी कार्यालय पे आंदोलन करें, अगर ठेकेदार के कार्यालय पे आंदोलन होता है तो जनता समझ रही है किस मकसद से आंदोलन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार हम ही जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी पंडित जी हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम लोग मेहनत करके जीतेंगे। सर, आने वाले विधानसभा में महिलाओं को कितना प्राधान्य? बड़े पैमाने पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नौजवानों को और महिलाओं को टिकट देगी, जब लिस्ट आएगी तो उसमें आपको नजर आएगी। सर, विधानसभा से एक बार वापस आप चुनाव लड़ेंगे? सर, ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया। हम लोगों ने जामर का इंतजाम किया है, अगर अमित शाह के पास हैकर है तो हमारे पास जामर है। इस बार हम वोट को हैक होने नहीं देंगे। सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, सोशल मीडिया पूरा इंडिया कहते हैं कि विरोधी पक्ष है,
सरकार को काम नहीं कर सकते भले पक्की हो भले कोई भी पक्ष, लेकिन आप लोग रोड पर जो आंदोलन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप सोचिए सूर्य जी के साथ में ये घटना हुआ दादरी में, लेकिन जो होना चाहिए था वो कहते विरोधी पक्ष। आपको पता नहीं है कि हमने जो लाल डोंगर की लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसकी मौत हो गई, 5000 कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा, तब जाके सरकार ने गंभीरता से लिया। लेकिन मंदी का जहाँ तक सवाल है, बार बार ये सवाल हम उठाते रहे कि देश में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक संकट है, लेकिन जनता उसको समझ नहीं पा रही थी। अब जाकर कहीं ना कहीं जनता को एहसास होने लगा। दिन में दो लोगों का मुझे SMS आता है कि मेरी कंपनी बंद हो गई, कहीं नौकरी का इंतजाम करो। तो हमें लगता है जिस तरह का संकट है, आने वाले दिनों में और संकट बढ़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसको सच्चाई को स्वीकारे और उपाय योजना करे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भावनिक मुद्दों पे लोगों को गुमराह करती है। और देश का जो मीडिया है, मीडिया हाउसेज है, जिस तरह से खबरें बताते हैं, बहस कराते हैं, हमें लगता है मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम देश का मीडिया कर रहा है। उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नहीं देखिए, ये सुप्रिया जी के साथ बदतमीजी हुई, वो कंप्लेंट की गई है। हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन ये बात सच है कि महाराष्ट्र में लड़की हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस का कोई धाक नहीं रह गया। मुख्यमंत्री के अपने शहर में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से गंभीर होना चाहिए, गंभीर नहीं है। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और भारतीय जनता पार्टी खास करके महिला अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी रही, चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे उन्नाव का सेंगर के बलात्कार का मामला हो। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे बलात्कार के आरोप लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जब बचाती है तो निश्चित रूप से जो गुनहगार हैं उसका मनोबल बढ़ता है, और BJP के इस रवैये के कारण महिलाओं के अंदर एक भय का वातावरण बना है। क्या सरकार से रास्ते करने डर गया? सरकार से ईडी का कार्रवाई से रास्ते करने डर गया आपकी बात? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से डरता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी हो, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। रास्ते करें, उनसे पूछो जाके वो बताएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा वो बताएंगे। देखिए, मैंने अपने भाषण में कहा है कि दो चीजों से लोग पार्टी बदलते हैं, या तो उनको डर है, अब किस चीज का डर है वो बता सकते हैं, हार का डर है कि और कोई डर है, या कोई लोभ है, लालच है मंत्री बनने का, सत्ता में रहने का। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि भारत की जनता न डरपोक के साथ खड़ी रहती है, ना लालची के साथ खड़ी रहती है। हमें लगता है जो लोग गए हैं, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता उनको हराने का काम करेगी। धन्यवाद।